अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, मुल्क के इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना तरजीह है। हॉलैंड से गुस्ताखाना खाकों पर शदीद एहतजाज की वजह से कामयाबी मिले। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर को मामूल की ऑपरेशनल परवाज के दौरान बहरिया अरब में हादसा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर के अमले का एक रुकन शहीद। मुल्क में 15,11,820 अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा करवाया, 5 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। वज़ीरे ख़ज़ाना असद उमर का सेनेट में बयान, कहा FBI के चेयरमैन के साथ टैक्स असलाहत की हिकमत अमली पर काम होगा। नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाओं के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस 199 को कलदम करार देने से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। नैब का कानून 18वीं तरमीम के बाद भी बरकरार है। अदालत के रिमार्क्स। DPO पाक पतन के तबादले के हवाले से अज खुद नोटिस की समाअत। रिजवान गोंदल का तबादला किसके कहने पर किया गया? डेरे पर जाकर माफी मांगने का क्यों कहा गया? रात 1 बजे तबादला किया गया, क्या सुबह नहीं होनी थी? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खावा मानिका, इब्राहिम मानिका और जमील गुज्जर को पी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का RPO और रिजवान गोंदल से बयान हल्फी लेने का हुक्म। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी की कबल अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। 20 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। आप हेलीकॉप्टर पर क्यों नहीं आए? सहाफी का सवाल। आप यहां रुकें, मैं हेलीकॉप्टर पर वापस आता हूं। साबिक सदर का जवाब। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा जोहरा शाहिद के कातिल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर MQM के कारकुन राशिद टेलर और जाहिद अब्बास को सजाए मौत सुना दी गई। अदम शवाहिद के बुनियाद पर दीगर दो मुलजमान इरफान और कलीम को बरी कर दिया गया। उम्मत मुस्लिमा का एहतजाज रंग ले आया। हॉलैंड के गुस्ताखाना खाकों पर मबनी मुकाबला मंसूब। मौतसिब गैरेट वेल्डर अपने ऐलान से दस्तबरदार। नीदरलैंड की हुकूमत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। डच हुकाम का कहना है कि नहीं चाहते इस मुकाबले से कोई खतरे से दोचार हो। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों पर मबनी मुकाबले की मनसूखी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, गुस्ताखाना खाकों से मुसलमानों में इस्तराब पैदा हुआ, मुकाबले की मनसूखी हमारी फतेह है। वजीर आजम इमरान खान ने मामला OIC और अक़वामे मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान किया था। कल से पेट्रोल 2 और डीजल 6 रुपए सस्ता होने का इम्कान। कीमतों में कमी के लिए सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी में कमी की तजवीज। ओगरा की समरी पर फैसला आज किया जाएगा। और कराची में मॉनसून की पहली बारिश। सुबह सवेरे मली, लसबेला और शेरशाह समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सड़कों पर फिसलन के बाइस मोटरसाइकिल फिसलने के वाकयात। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मालाकंड और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।